हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू मॉम लाइफस्टाइल चैनल। तो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं चैलेंजिंग वीडियो कर रही हूँ और ये मेरी फर्स्ट कोई चैलेंजिंग वीडियो होगी। तो टाइटल से जैसे आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज का चैलेंज करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं चैलेंज करने वाली हूँ हेयर ऑयलिंग चैलेंज करने वाली हूँ। तो मैं देखूंगी कितने ज्यादा से ज्यादा मैं अपने हेयर पे कितना ऑयल लगा सकती हूँ। बहुत ज्यादा लगाने की पूरा ट्राई करूंगी। तो ये मेरी फर्स्ट चैलेंजिंग वीडियो है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो ये चैलेंजिंग वाली वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आप प्लीज शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑलिव ऑयल, और इसमें मैंने ना थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिला लिया है। मैं ऑलिव ऑयल जो है ना मैं ऐसी नहीं लगाती, थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के लगाती हूँ। तो हाँ, 100 ml की बोतल है ये। और मैंने अपने बालों पर सारे टैंगल्स वगैरह सब सुलझा लिए हैं, सब हटा लिए हैं, क्योंकि मेरे बाल जो है थोड़े हैवी हैं, तो इसलिए मैंने पहले से ही सारे टैंगल्स वगैरह सब हटा लिए हैं। और मैंने इस तरीके से बन वगैरह बना के रख लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं थोड़े से और बाल सुलझा लूंगी। ये देखिए मैंने अपने बाल सारे सुलझा लिए हैं। तो मैं ले लूंगी तेल, और सबसे पहले मैं थोड़ा सा तेल लूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले लगाऊंगी स्कैल्प पे लगाऊंगी। जो ऑयल होता है वो स्कैल्प पे, बालों की रूट्स पे, जड़ों पे लगाना बहुत जरूरी होता है। बाहर बाहर से लगा ले तो कोई फायदा नहीं होता है। सबसे पहले हमें अंदर से स्कैल्प पे और उसके रूट्स पे लगाना चाहिए बालों के। तो मैं अच्छी तरह से पहले स्कैल्प पे लगा लूंगी। मेरे बाल बड़े ही हैवी बाल हैं, देखिए जैसे आपको देखने में पता चल रहा होगा हैवी बाल है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वैसे ऑयल लग ही जाता है। और साथ साथ मैं मसाज भी करती रहूंगी। क्या पता ये सारी बोतल ही खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे हेयर को बहुत ऑयल की जरूरत होती है। हर एक कोने में लगा रही हूं। और आपको ऑयल कम से कम विद इन वीक में 2 बार तो लगाना ही चाहिए। ये देखिए कितना सारा ऑयल लग गया है। Thank you.
हेयर ऑयलिंग के साथ साथ अपने सर की मसाज खुद ही कर लेती हूँ, ताकि अच्छी तरह से ना जो भी सारा ऑयल है अच्छी तरह से सिर में एब्जॉर्ब हो जाए और मसाज भी करना अच्छा रहता है साथ साथ। वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता, बस हेयर ऑयलिंग जब होती है तभी टाइम मिल पाता है। देखिए मेरा इतना ऑयल खत्म हो चुका है। थोड़े हैवी बाल है ना, घने बाल है तो थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए मैं इससे ही डाल रही हूं एकदम डायरेक्ट। आपको दिख रहा होगा नहीं, ये देखिए यहां पे भी तेल आ रहा है हल्का हल्का, और ये देखिए हाथ देखिए। ये देखिए ये सारा तेल पूरा देखो कहां तक आ रहा है। तो मेरी ऑयलिंग हो गई है कंप्लीट और ये मैंने पूरा ऑयल लगा लिया है 100 ml का। ये पूरा देखिए खत्म हो गया है, ये बस इतना सा बचा है थोड़ा सा, इसको मुझे किसी चीज में यूज करना है तो मैंने थोड़ा सा बचाया है। तो ये मेरा पूरा ऑयल देखिए खत्म हो गया है और ये देखिए और पूरा पीछे गर्दन के पीछे भी सारा ऑयल ऑयल आ रहा है। आप ऑयलिंग को ओवरनाइट करके सोए तो बेटर है, अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते तो दिन में या 2-3 घंटे लगाकर रहिएगा तो उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। मैं ओवरनाइट करती हूँ मुझे, क्योंकि ओवरनाइट ही बेटर लगता है। मॉर्निंग में उठ के फिर मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ
मेरा हेयर ऑयलिंग चैलेंज कंप्लीट हुआ। 100 ml के मैंने जो ऑयल लगाया मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया। और अब मैं कर रही हूँ कॉम करके आती हूँ, मैं कॉम कर लेती हूँ क्योंकि सारे बाल उलझ गए होंगे। फिर मैं उसके बाद करूंगी दो चोटी बनाऊंगी, ब्रेड करूंगी। तो ऑयलिंग के बाद मैंने अच्छी तरह जो अपने हेयर है कर लिए, कॉम अच्छी तरह सुलझा लिए हैं। और ये देखिए कितने बाल निकले हैं, इतने तो नॉर्मली निकल ही जाते हैं। और अब मैं बनाऊंगी दो चोटी, ये देखिए कितना ऑयल लगा हुआ है। मैंने ये कर लिया, गुद कर लिया, तो मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया। दोबारा दिखा देती हूँ, देखिए पूरा ऑयल एकदम खत्म हो गया है। तो ये था मेरा आज का चैलेंजिंग हेयर ऑयलिंग चैलेंजिंग वीडियो। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।